कुछ भी नहीं हो सकता इस टीम का जब तक ये टीम अपना एटीट्यूड नहीं बदलेगी। बिलीव करें, शाहीन अफरीदी हों या मोहम्मद हफीज़ हों या कोई और हो, जब तक ये अपना अंदाज हम खेलने का नहीं बदलेंगे, पुरानी गलतियों को हम दोबारा से दोहरा रहे हैं। और शाहीन को ऊपर भेजने की जो गलती थी, 5 विकेटें जब आपकी गिरी होती है तो आपने एक ऐसा बंदा भेजना होता है जाकर कुछ ना कुछ तो सस्टेन करता है। बाबर खड़ा हुआ एक एंड के ऊपर, अब एक एंड पे शाहीन आ गया, यार 5 विकेटें गिरी हुई हैं तो कहाँ मैच बचना था हमारे साथ। ऐसे ही होता रहेगा, ऐसे ही रोते धोते रहेंगे। मुझे तो लगता है जो हालात जा रहे हैं कुछ नहीं सुधरने वाला। अबे घटिया टीम, साली गदर टीम, 18 ओवर खेली जिसमें 35 डॉट, 12 ओवर आपने सिर्फ बैटिंग की, 6 ओवर आपने डॉट खेले, 2 ओवर आप पहले आउट हो गए। ये आपकी क्रिकेट है? अबे किस मुंह से तुम लोग कहते हो हम इनसे अच्छे, हम उनसे, तुम नेपाल से भी बुरे हो, तुम्हारी टीम यूएई से भी घटिया और बदतरीन टीम है। अल्लाह करे तुम और जलील हो, और जलील हो, और जलील हो, ये मेरी दुआ है अल्लाह से। डेब्यूटेंट तुम्हारी विकेट लेके जा रहे यार, वर्ल्ड नंबर वन और डोमिनेट और किंग मौलवी साहब रिजवान शबेराती अपने रन के पीछे, मेरे रन हो जाए, बाबर आजम अपने रन के पीछे। क्या जो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट था 12 का रिक्वायर्ड है, 14 का रिक्वायर्ड है, और बाबर आजम टुची और ये जो बाउंड्रियां लगी हैं, ये रन लगे हैं, ये न्यूजीलैंड के ड्रॉप कैचेस और अजय हमने जय मैच देखा तुम लोगों का। आपके पास वो पावर हिटर्स नहीं है भाई, माजरत के साथ। 46 रन मसला नहीं है, मसला ये कि आप 18वें ओवर में खत्म हो गया आपका गेम, मसला ये कि आप 20 ओवर भी खड़े नहीं हो सके, मसला ये कि आपने कोई रोल डिफाइन नहीं किया, देयर इज सो मच कंफ्यूजन इन द। दोस्तों नमस्कार, ऑस्ट्रेलिया में 3-0 की शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से पहले T20 में न्यूजीलैंड से बुरी तरह हार गया। पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड ने कितने बुरी तरह मारा इनको। न्यूजीलैंड ने मार मार के तुम्बा बना दिया इनका, 226 रन बना दिए 20 ओवर में, जो कि पाकिस्तान से 2 बार खेलने के बाद भी नहीं बनने वाले थे। वो तो न्यूजीलैंड ने फील्डिंग बहुत खराब की, स्टार्टिंग में कैच छोड़ दी सैम अयूब की विलियमसन ने, तभी इतने रन बन के बने, इतने भी बनते। बाबर आजम ने वही घिसी पिटी इनिंग खेली, सेल्फिश इनिंग, एक टाइम पे तो वो रन बॉल खेल रहा था, आखिरी 5-6 बॉल में उसने कुछ रन कवर किए थे। दोस्तों देखा जाए तो बाबर आजम की जगह T20 में बनती ही नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों जबरदस्ती खिलाते हैं उसकी जगह इनको कोई हार्ड हिटिंग प्लेयर लेके आना चाहिए जिसमें मैच जिताने की काबिलियत हो। बाबर में मैच जिताने की काबिलियत है ही नहीं, चाहे वनडे हो, T20 हो, टेस्ट मैच, और इसको ये लोग हमारे विराट कोहली से कंपेयर करते रहते हैं। दोस्तों इतनी शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया बहुत बुरी तरह फैल रही है पाकिस्तान के प्लेयर्स और शाहीन साफ रहे कप्तानी को, वो कह रहे हैं कि किस गधे के बच्चे ने इसको कप्तानी दी है, यहाँ पर कप्तानी करना कोई मजाक नहीं है। PSL में ये लोग 50 मीटर की बाउंड्री में खेलते हैं और वहां पर विकेट लेके रन बना के बड़े चौड़े होते हैं, लेकिन जब असली मैच आता है तो इनकी पूरी पोल खुल जाती है, जो हमने आज देख ही लिया। और कप्तानी किस चिड़िया का नाम है कुछ समझ आई? विलियमसन से सीखे कप्तानी क्या होती है। इनको मार पड़ी, उसने अपने मेन बारन लाए विकेट लिए हैं, मेन बारन लाए विकेट लिए, आपका कप्तान डर के दुपक्के कोने में खुदरे में छुप गया। लार कैलेंडर ने सिखाया आकिब जावेद ने, माय फट एवरेज माइंड्स, आई विल ऑलवेज ब्रिंग एवरेज रिजल्ट। आई वांट टू नो किस गधे के बच्चे ने इसको नमकूल को पहले तो अभी से कप्तान बना दिया, फिर यह क्या 1980 की क्रिकेट थी कि मेरा बल्ला मेरी बॉल मैं ही बैटिंग करूंगा, मैं ही बॉलिंग। अबे आमिर जमाल जब मौजूद है तू वहां पे बांसुरी बजा रहा है, तू लेने गया ऊपर, अंदाजा लगाए ये क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर आप वर्ल्ड आउट हो गए। अबे घटिया टीम, साली गदर टीम, 18 ओवर खेली जिसमें 35 डॉट, 12 ओवर आपने सिर्फ बैटिंग की, 6 ओवर आपने डॉट खेले, 2 ओवर आप पहले आउट हो गए। ये आपकी क्रिकेट है? अबे किस मुंह से तुम लोग कहते हो हम इनसे अच्छे, हम उनसे, तुम नेपाल से भी बुरे हो, तुम्हारी टीम यूएई से भी घटिया और बदतरीन टीम है। अल्लाह करे तुम और जलील हो, और जलील हो, और जलील हो, ये मेरी दुआ है अल्लाह से कि तुम इसी तरह जलील होते रहो जैसे हॉकी को खा गए, स्क्वाश को खा गए, टेनिस को खा गए, फुटबॉल को खा गए, पाकिस्तान को खा गए, क्रिकेट को भी खाओ। लाओ अपनी मर्जी के अपनी अम्मा के यारों को बिठाओ और ये रिजल्ट लो। ले भजन वो समय मीर, बॉलिंग में 50, बैटिंग में 1 रन, ये आपकी क्रिकेट है। ये आप देखे 163 का स्ट्राइक रेट चले, बाबर ने मिस भी किया, ये भी किया, वो भी किया, 33 बॉलों में 50 था। मेरा नहीं ख्याल है कि बाबर ही की मां बहन की जाए, बाकी भी थे, क्या फायदा सैम अयूब के 27 का जब उसमें दबाग नहीं। तेरा सिंपल सिंपल फलूदा क्या है छोड़ा विलियमसन ने, ऐसे फलूदे आपको बार बार नहीं मिलेंगे। क्या किया तूने रिजवान को, देखे फलूका चढ़ा दिया, वो देखे वो आपका कुहाड़ा कुहाड़ा एक मैच में चलता है, ये बेस बॉलर फुल टॉस में कॉटन बोल्ड हो गया, आपने कहा सोडी और इसका मैच मजे का होगा, ये देख लें कि सोडी और इसका मैच कितना मजे का हुआ। रिजवान साहब आपकी सिलेक्शन इंतहाई बदतरीन, बेकार तरीन, ये लाहौर कैलेंडर ने जो तैयार किए हैं बंदर, ये बंदर कभी भी नहीं जीत सकते। कप्तानी ऐसे नहीं होती कि PSL की परफॉर्मेंस पे, अभी आपको बहुत टाइम चाहिए था, इसको थोड़ा सा सीखने दे। इतना डर गया था 24 रन खा के कि ये बॉलिंग ही नहीं करने आया, और सिर्फ शाहीन की मेहरबानी है कि इन्होंने 226 कैच छुटते हैं, इन्होंने भी 2 कैच छोड़े आपके, रिजवान का भी और सैम का भी, कोई बात नहीं। आपका वो जो आपने भेजा ना सोमू रेसलर, वो जो धरती का बोझ पूरी दुनिया जिसके लिए कहती है, विकेट कीपिंग में उसके हाथ पांव कांप रहे,
बाउंड्री में एक एक रन बन रहा, मिस फील्डिंग में एक एक रन बन रहा है। जब आप इस तरह की अनफिट पंचियां बेटे भतीजे भांजे खिलाएंगे तो मेरी जान, क्रिकेट से अच्छा आप बंद कमरे में कोई गोली पिल्ला खेले, वो जो बेडरूम में छक्के मारता था ना आसिफ, इसी तरह के कोई छक्के इकट्ठे करें। ये क्रिकेट आपके पास के नहीं है, ये इबरतनाक दर्दनाक शिकस्त है। मुझसे आयुष खान साहब पूछ रहे थे कितना पाकिस्तान कर लेगा, मैंने कहा एनीथिंग ओवर 170 पाकिस्तान की टांगे कांप जाती है। ये देखे 226, हालांकि टेक्निकली रिजवान कोई 24 बॉलों में 50 बहुत ज्यादा नहीं होता, आपने T20 में क्या वनडे में बहुत दफा देखा होगा टीमें इस तरह से आती हैं, लेकिन घटिया बैटिंग ऑर्डर, आमिर जमाल की मौजूदगी में यह शाहिन शाह अफरीदी ने PSL में एक बारी में स्कोर किया, हर दफा यह बल्ला लेता है, मुंह उठाता है, बंदर की तरह हंसता है, ब्रेक हाथों की तरह उठ के आ जाता है, आउट होके चला जाता है। They need to understand this is not PSL. Shahin Shah Afridi एक आधा चौका छक्का लग गया या PSL में कोई थोड़ी बैटिंग कर ली, उसको जो उसका काम है पहले बॉलिंग का वो अच्छी कर ले, बैटिंग चलो बाद में देखा जाएगा। तो आमिर जमाल absolutely, आमिर जमाल should have come. उसको उसने बताया अभी टेस्ट सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया में he can bat और चौका छक्का भी मारा, एंड पे खैर सारी आउट हो गए। थोड़ा सा अगर चांस मिलता तो शायद थोड़ा और गेम को नजदीक ले जाता, जीतने वाली पोजीशन पे तो खैर पाकिस्तान 24 गेंदों पे 58 चाहिए थे और इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। बाबर आजम टू बी वेरी ऑनेस्ट 10-11 तो ठीक है, 14-15 जिस तरह भी जैसे ही रिक्वायर्ड रन रेट जाता है तो उसके बस का नहीं है, हमने कई बार देखा हुआ। ही टुक हिज टाइम, जब आप कर रहे हैं 225-26 कर रहे हैं तो आपको स्ट्राइक रेट आपका शुरू से ही पहली गेंद से ही आपका 160-170-150 इससे नीचे स्ट्राइक रेट आपका होना नहीं चाहिए। ही वॉज ऑलमोस्ट प्लेइंग रन अ बॉल, बीच में बिल्कुल एक रन रेट फंस के रह गया, चाचा ने भी एक आधा छक्का मारा बस फिर आगे छुट्टी हो गई। तो ऐसा लगा नहीं कि बाबर आजम गेम के पार ले जाएगा, 6 ओवरों में 80-85 मतलब ऐसा इतनी तो इनमें सलाहियत है ही नहीं, और 29 गेंदें थी कोई 37-38 रन था, तो ही वॉज टेकिंग टू लॉन्ग। खैर एंड पे जो चौका छक्का आया थोड़ी सी रिस्पेक्टेबिलिटी नजर आई है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट थ्रू आउट द इनिंग जितना भी बाबर आजम खड़ा रहा और एंड पे भी ऐसा लगा नहीं कि वो 200 के स्ट्राइक रेट पे खेला। हाँ जी, बाबर ने कभी 200 के स्ट्राइक रेट से खेला भी नहीं है, अनेक कुछ मैचेस में खेला हुआ है लेकिन उसमें दूसरी टीम की बॉलिंग कंप्रोमाइज थी, जैसे साउथ अफ्रीका 100 किया 50 गेंदों पे, बॉलिंग आज भी कंप्रोमाइज थी। ये कोई न्यूजीलैंड की आप मिलाने और उससे नहीं कह सकते कि ये वो वाले हेनरी और मिलाने हैं जो आज से 7-8 साल पहले थे, और ये जो नया लड़का डाला है 2 विकेट ले गया 48 रन देके, इस तरह के बॉलर आपको हर जगह मिल जाए। कप्तान शाहिन शाह अफरीदी साहब, आमिर जमाल और उसामा मीर से पहले आप बैटिंग करने चले आ गए, ये लाहौर कलंदर नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है, और ये कोई कराची किंग्स के सामने आप नहीं खेल रहे थे, केन विलियमसन की न्यूजीलैंड टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे थे, आपके सामने आप 2 गेंद शॉर्ट पिच गए और आप अपने विकेट देके आप चले गए, आपको पहले आके प्रेशर डालने की जरूरत ही क्या है, पाकिस्तान के 5 डाउन हुए तो शाहीन बैटिंग पे आ गया। कहीं ऐसा होता है दुनिया में, कहीं ऐसा होता है कि कब तक हम तजर्बात करते रहेंगे, कब तक हम इसी तरीके से खेलते रहेंगे, हमने अपनी क्रिकेट का सत्यानाश खुद ही कर दिया है बजाय कोई और आगे करता है। बहुत सारे ब्लंडर्स, बहुत सारी गलतियां, मोहम्मद हफीज जितना कहेंगे कि ऑन द डे हमने अच्छा परफॉर्म किया, उमर गुल को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज दिया कि आप जाकर डिफेंड कीजिए, 227 रन 26 रन पाकिस्तान के बॉलर्स ने खाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर गुल को भेज दिया और वो कहते हैं कि जी ठीक है सब कुछ चल रहा है। मैंने उनको सवाल किया कि एशिया कप से लेकर अब तक आप लोगों की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग नजर ही नहीं आती है, आप लोग मुसलसल हारते जा रहे हैं। नहीं, वो कहते जी हारिस रूफ ने जो सेकंड लास्ट ओवर किया था ना वो बड़ा अच्छा किया था, उस वक्त 200 रन हमें पड़ चुके थे, तो इस बात पे वो शुक्र अदा कर रहे हैं कि जी हारिस ने ओवर अच्छा डाल दिया तो हमें 250 रन नहीं पड़े हैं। कुछ भी नहीं हो सकता इस टीम का जब तक ये टीम अपना एटीट्यूड नहीं बदलेगी। बिलीव करें, शाहीन अफरीदी हो या मोहम्मद हफीज हो या कोई और हो, जब तक ये अपना अंदाज हम खेलने का नहीं बदलेंगे, पुरानी गलतियों को हम दोबारा से दोहरा रहे हैं, और शाहीन को ऊपर भेजने की जो गलती थी, 5 विकेटें जब आपकी गिरी होती है तो आपने एक ऐसा बंदा भेजना होता है जाकर कुछ ना कुछ तो सस्टेन करता है। बाबर खड़ा हुआ एक एंड के ऊपर, अब एक एंड पे शाहीन आ गया यार, 5 विकेटें गिरी हुई हैं तो कहां मैच बचना था हमारे साथ, ऐसे ही होता रहेगा, ऐसे ही रोते धोते रहेंगे, मुझे तो लगता है जो हालात जा रहे हैं कुछ नहीं सुधरने वाला। थैंक यू सो मच।